तो वही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन दौरे पर है, जहां उन्होंने सबसे पहले सियाचिन बेस कैंप पहुंचकर युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, वही बहादुरों को श्रद्धांजलि भी दी। इस दौरान उन्होंने सियाचिन लद्दाख में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों के साथ बातचीत की। वही जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर आप जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सियाचिन की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है, यह एक प्रतीक है। यह देश की संप्रभुता का और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है, हमारी तकनीकी राजधानी बेंगलुरु है, लेकिन सियाचिन वीरता और साहस की राजधानी। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है, यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है, और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या इसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है।